नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीना चटनी। हर एक घर में बनता है पुदीना चटनी, क्योंकि वो बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और उससे भी ज़्यादा सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं आंध्रा स्टाइल कैसे बनाते हैं पुदीना चटनी। पहले एक कढ़ाई या पैन लीजिए, गैस ऑन करके उसमें 2 टीस्पून तेल डालिए। वो गर्म होने के बाद हम पहले तड़का बनाएंगे। दो टीस्पून चना दाल डालेंगे, उसके बाद 2 टीस्पून उड़द दाल डालेंगे, उसके बाद 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया। अब इन सारे चीजों को भूनना है धीमी आंच पे। याद रखिए, धीमी आंच होनी चाहिए वरना सारा जल जाएगा। अच्छे से भूनने के बाद एक खुशबू आती है। तब उसमें मूंगफली पीनट्स डालना है। अगर हम सारे चीजों के साथ ही मूंगफली को भी डाल देते हैं तो ये अच्छे से भूनेंगे नहीं, उड़द दाल और चना दाल। इसलिए थोड़ी देर के बाद पहले उनको भून के तब ये मूंगफली भी डाल के धीमी आंच पे हमें भूनना है अच्छी तरह। अब हमें डालना है कश्मीरी सूखी लाल मिर्च 3 से 4। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप अलग वैरायटी के सूखी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च में बहुत अच्छा रंग आता है तो इसलिए, और तीखापन भी कम होता है। अभी ये पूरा मिक्सचर भून चुका है, अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। तड़का ठंडा होने के बाद मिक्सी में इसको अच्छी तरह पीसेंगे। अच्छी खुशबू और गोल्डन ब्राउन कलर का रंग जब आ जाता है तो ये पता चलता है कि तड़का अच्छा से भुना है। तो उसको साइड में रख के फिर से कढ़ाई में 3 टीस्पून तेल डालेंगे। अभी इसमें अच्छे से धुले साफ सुथरा पुदीना के पत्ते धीमी आंच पे डालना है और उसको भूनना है। ऐसे भूनते भूनते पत्ते सिकुड़ जाते हैं और एक अच्छी सी खुशबू आने लगता है। तब हमको स्टव ऑफ कर देना है। ज़्यादा उसको जलाना नहीं है, बस खुशबू आने तक और जब तक सिकुड़ जाते हैं उनको भूनना है और कंटेनर में लेके ठंडा करना है।
अब फिर से गैस ऑन करके तवा में थोड़ा सा तेल डाल के टमाटर डालना है। टमाटर हम जितना लेते हैं उतना ही पुदीना भी लेना है, हमें बराबर की होनी चाहिए। तो ये बहुत नरम हो गया है टमाटो। अब इसमें हम डालेंगे छोटे नींबू साइज का इमली। अच्छे से टमाटर और इमली को भूनना है। जब तक टमाटर से पानी उड़ जाता है हमें भूनना है, और उसके बाद गैस ऑफ करके इसको भी ठंडा करने के लिए एक कटोरी में लेना है। सारी चीज़ों को एक ही बार अगर भूनेंगे तो उसका असली स्वाद जो है वो चला जाता है, इसलिए एक एक करके भूनेंगे तो वो स्वाद रहता है जब हम इसका चटनी बनाएंगे। अब फिर से तवा को गरम करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल के बारीक कटा हुआ प्याज, सिर्फ एक काफ़ी है, वो भूनना है जब तक ये एक लाइट ब्राउन कलर में ना हो जाए। अब प्याज को भी एक छोटी सी कटोरी में डालना है और उसको ठंडा करने के लिए रख देना है। अब पहले हम मिक्सी में 10 लहसुन के टुकड़े लेंगे, पहले ही इसको पीस लेंगे, सिर्फ अकेले पीसना है इसको, वरना वो छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे। तो ये पीसने के बाद इसमें जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च तड़के में डाला है, बस अकेले इसको पहले पीसना है। ये क्योंकि बड़ा होता है तो पूरी जो मिक्सचर है उसमें ग्राइंड अच्छी तरह नहीं होता है, तो पहले इन दोनों को पीस लेते हैं, उसके बाद बाकी का जो मिक्सचर है वो डालना है। और ये भी अभी पीसने के बाद पाउडर बन जाता है। तो अंत में ये टमाटर और पुदीना, जिसको हमने अच्छे से भूना है, और प्याज, इसको पीसने में बहुत आसानी होगी। देखिए कितना अच्छा रंग आया है। अंत में थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाल के पल्स ऑप्शन जो बाएं तरफ हो, 2-3 बार इस्तेमाल करने से हो जाएगा चटनी तैयार। देखने में ही इतना लाजवाब है, आप जैसे भी खाएंगे बहुत बढ़िया लगेगा। ये रहा स्वादिष्ट और सेहतमंद पुदीना चटनी। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आया है। आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भूलिएगा नहीं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार इसी चैनल पे और एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।